porous medium, ठीक है. So my question is, घर में कितने लोगों ने कभी स्पंज को यूज करके बर्तन को साफ किया? कितने लोगों ने? हमने सभी किया. वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोरस का, क्योंकि जब उसको हम साबुन के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, बबल्स, ठीक है. ओके, सो वो जो है वो क्या हमारा पोरस, वो हमारा क्या है पोरस. सो पोरस को जो है हम दो तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसको हम लिक्विड से फिल कर सकते हैं या तो गैस से. सो पोरस मीडियम का डेफिनेशन क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, द पोरस मटेरियल, द पोरस मटेरियल इज अ मटेरियल कंटेनिंग पोरस. दिस इज ऑल पोरस. पोरस दिस कैन बी फुल स्टॉप करके आगे से लिखेगा. दिस कैन बी portion of the material of a part matrix. Matrix matrix the porous articulate fill porous articulate fill with fluid. Okay, so this is a definition of a porous material. So porous material is a material containing porous. This can term portion of the material often called the matrix, and the porous are typically filled with the fluid. Okay, so a sponge, dekha hai sab logon ne, theek hai, wo hamara kya hai, bahut acha example hai iska porous. Okay, दूसरी चीज जो है पोरस को यदि और भी आपको देखना है तो आप एक ग्लास लीजिए, खाली ग्लास, उसमें आप जो है बालू जो सैंड उसको क्या करें फिल करें, और फिल करने के बाद उसमें पानी डाल के, तो जो पानी होता है पूरा जो हमारा ग्लास है वो पूरा सैंड से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो वाटर को क्या करता है, एडजस्ट करता है अपने अंदर. ओके, सो वो जो फॉर्म है तो वो क्या है पोरस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल. ओके, सो पोरस में इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने कभी घर पे बर्तन को भी साफ किया होगा, क्लियर है, तो वो जो स्पंज है जो उससे हम बर्तन को साफ करते हैं तो उसको क्या करते हैं बार में लगाते हैं ना, तो वो क्या है फिल्ड होता है उसका, बार में जाते तो जो छोटे छोटे उसमें जो पोरस है ना, यस, जो पोरस है वो जो पोर है उसमें वो जाते हैं, तब तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं बर्तन पे घिसते हैं और फिर सारी चीजों को करते हैं, ठीक है. सो वो हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, पोरस के लिए, ठीक है. सो पोरस मैटेरियल इज अ मैटेरियल कंटेनिंग पोर्स, वॉइड्स भी कह सकते हैं, जो उसका कंकाल है, पोर्शन ऑफ द मैटेरियल ऑफ इन कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है. तो कंकाल भी समझ रहे हैं ना. ओके, जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल ये है, यहां पे देखिए छोटे 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 सब क्या है, इसका मैट्रिक्स, तो ये जो हमारे छोटे छोटे ये छोटे हैं वो हमारे क्या है मैट्रिक्स, क्लियर है. सो हमारा क्या कहलाएगा मैट्रिक्स, तो कंकाल तंत्र जो है वो क्या है वो मैट्रिक्स है. सो द पोरस आर इक्वली फिल्ड विद द व्हाट, द पोर्शन कंप्लीट मैट्रिक्स कहलाएगा, तीन छिद्र के रूप कहलाएगा, क्या क्या है
मैट्रिक्स नहीं, पूरे को मैट्रिक्स बोलेंगे कि जो केवल ये छिद्र है, ये छिद्र पूरा जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है ना, अच्छा पूरे को मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म, ओके ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसीलिए कहा गया आपको स्कैटर्ड पोर्शन, ये स्कैटर्ड पोर्शन नॉट ओनली दिस वन इज अ मैट्रिक्स, ये पूरा हमारा क्या होगा मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ एक सिंगल पोरस जो है वो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स आपको पता है जानते हैं, ठीक है, दिस फॉर्म इज नोन एज अ मैट्रिक्स, ओके। नाउ सो राइट ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में आ गया आपको, ओके। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन पोरस, व्हाट इज द पोरसिटी, पोरसिटी पोरसिटी signifies the water storage capacity city water storage capacity of the medium as sari property signifies porosity signifies porosity signifies signifies the water storage capacity of the medium as it represents volume of the voids present in it. यहाँ पर water storage capacity होगा तो इसको ठीक fluid storage, वाटर स्टोरेज या आप इसको कह सकते हैं, फ्लूइड भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्टिंग इज वाटर, दिस इज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मीडियम एज द रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्रेजेंटेड। सो जो फॉरेस्टिंग है वो क्या है, दैट्स मीन या आप फ्लूइड भी कह सकते हैं, लेकिन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए मैंने वाटर यूज शब्द को यूज किया है, ठीक है। सो जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है ऑफ द मीडियम, ठीक है, वो हमारा क्या है, फॉरेस्टिंग है। सो आपको पता ही है वाटर स्टोरेज जो आपका मतलब, जैसे आपने स्पंज लिया, उसको पानी में क्या किया, डुबो दिया, ठीक है। तो उसके जितने भी पोर हैं वो सब क्या करते हैं, वाटर से क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। तो फिल क्या है हमारे, पोरेसिटी हमारी क्या है, पोरेसिटी, ठीक है। आपके पास जो स्पंज है, स्पंज को क्या करता है, वाटर के कहीं पर भी कोई ग्लास है, कहीं पर भी कोई आपके पास बर्तन है जिसमें पानी भरा है, उसमें डाल दी, तो स्पंज क्या करता है, वो पानी को स्टोर कर देता है, ठीक है। तो क्या हमारा फॉरेस्टिंग, हमारा क्या है, फॉरेस्टिंग। और आपको पता है जिसका जितना वॉल्यूम होता है उतनी चीजों को क्या करता है, वॉल्यूम उतना ही वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो किसी भी पोर का जितना भी वॉइड्स का जो भी वॉल्यूम होगा उतने वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि यदि किसी वाटर सॉरी किसी भी पोर की जितनी भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है तो उसको मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जो पोर की क्या है, वॉइड्स की क्या है, वॉल्यूम्स है, ठीक है। तो किसी वायर्स का जितना भी वॉल्यूम होगा वो उतने ही वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा, क्लियर है। ग्लास है, ग्लास का जितना वॉल्यूम होगा वो तो उतनी वाटर को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। बॉल है, बॉल का जितना भी आपके पास वॉल्यूम होगा वो उतने ही क्या करेगा, लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी चीज है उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो मैंने इसलिए बताने के लिए आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि जैसे हमारे पास जो बर्तन साफ करने वाला स्पंज है, वो स्पंज सिर्फ आपके दिमाग में चलता हो रहेगा तो आपको जो फॉरेस्टिंग वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यदि उन्होंने उसको बार में साबुन में कहीं पर भी हम डिप करते हैं, जो हमारे पास जो स्पंज है जिससे हमारे
जिसे हम लोग बर्तन को साफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग उसमें वो करते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर साबुन लगता है ना, ठीक है। साबुन कुछ बाहर भी आता है, आप देखते हैं पूरा स्पंज भी जो भी है, आप देखते हैं कुछ साबुन बाहर रहता है, दैट इज स्पंज के ऊपर होता है, और कुछ उसके जो पोर्स है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो वो जो पोर के अंदर जो जाता है वो क्या करता है, जो उस पोर का जितना वॉल्यूम होता है उतनी उस चीज को कंसीव करता है, ठीक है। सो ये चीजें, तो जितना वॉल्यूम है उतनी चीजों को वो क्या करेगा, वो अपने अंदर कंसीव करेगा, ठीक है, दैट मीन उसको कंसीव करेगा। सो यहां पर उसी चीज के बारे में बात हो रही है कि जो है, इसीलिए पहले मैंने डिस्कस कर दिया कि पोरस मटेरियल, ठीक है। पोरस मटेरियल में फिर से मैं एक बार बता देता हूं, पोरस मटेरियल इज द मटेरियल कंटेनिंग पोर्स, ठीक है, जो पोर्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। पोरस मटेरियल इज द मटेरियल जो क्या करते हैं, पोर को कंटेन करते हैं, ठीक है। कंटेन्स पोर्स मतलब समझ रहे हैं ना, वो जो छोटे छोटे छिद्र हैं, वो आज की जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो द स्केलेटन पोर्शन ऑफ द मटेरियल जो वो है, उसी को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और द पोर्स आर टेम्परेली फिल्ड विद द वाटर फ्लू, तो वो किससे बहुत मुश्किल से, किससे, पानी से भरा जा सकता है, ठीक है, उसको बहुत ही मुश्किल से पानी से भरा जा सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। सो यहां पर हमारा क्या होगा, दिस इज नोन एज अ पोरस मीडियम। सो हाउ डू यू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दैट, ओके, जो पोर है उस पोर के वॉल्यूम्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। हम तो कह रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको, जिसका जितना वॉल्यूम है वो उतने ही वाटर्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, या किसी और चीज को स्टोर करेगा। लाइक हमारे, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं मैथमेटिक्स में, सिर्फ हम अभी जो हम लोग घर में खाने पीने की चीजों को यूज करते हैं, जैसे हमारे पास ग्लास, हमारा बॉल है, ठीक है, या हमारे पास जो हमारी प्लेटें हैं, ठीक है, तो उनकी जितनी क्षमता होती है उतनी ही वो चीजों को स्टोर करते हैं, दैट्स मीन उनका जितना वॉल्यूम होता है। या टिपिकली फिल्ड विथ वाटर मीन्स हियर दैट्स मीन कि जो वो वाटर है वहां पर टिपिकली फिल्ड विथ वाटर मीन्स का दैट्स मीन जो पोर है उसको हम लोग बहुत मुश्किल से पानी से भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपके पास जो वो है दैट्स मीन स्पंज है, बर्तन जो भी साफ करने का, ठीक है, उसको आप पानी से पूरी तरह से भर नहीं सकते, क्लियर है। वो ओनली क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बट यू कैन नॉट फिल दैट, उसको आप फिल नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है, ओके। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में यदि जो भी चीजें हैं, यदि आप उसको जो बर्तन साफ करने का हमारे पास जो स्पंज है, यदि उसको सिर्फ आप कंसिडर करेंगे तो पोरस को आसानी से आप समझ पाएंगे, ओके। तो वो जो हमारे पास स्पंज है आप उसको पूरी तरह से पानी से फिल नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या करता है, वाटर को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पोर दोनों तरफ से क्या होती है, खाली होती है, ठीक है। तो उसको वाटर से कभी भी हम फिल नहीं कर सकते, ठीक है। जो पोर है हमारे क्या है, वो दोनों तरफ से क्या होते हैं, खाली होते हैं ना, दैट्स मीन इधर भी खुला है और इधर भी खुला होता है, तो उसको हम पानी से भर नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर फिर भी वाटर होता है, दैट्स मीन वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से वाटर से फिल नहीं कर सकते, ओके। तो ये हो गया हमारा वाटर स्टोरेज एंड जो है टिपिकली फिल्ड, यहां पर ये जो है टिपिकली फिल्ड देता, अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आने बात समझ में आ रही है, ओके। टिपिकली फिल्ड का मतलब, ओके, क्योंकि जो हमारे पास जो स्पंज है वो दोनों तरफ से क्या है, ओपन है, ठीक है, तो उसके जो पोर है दोनों तरफ से क्या है, ओपन, उसको हम वाटर में फिल करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ वाटर को क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते, लेकिन उसको हम पानी की जो है उसके अंदर पूरी तरह से हम फिल नहीं कर सकते, जैसे हम ग्लास में भर सकते हैं, कटोरी में भर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से पानी को हम जो स्पंज है उसके अंदर पूरी तरह से पानी को हम फिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो पोरस है उसको बहुत ही मुश्किल से उसके अंदर पानी को फिल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे चौक है, हमारे पास चौक है, ये भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, पोरस का, ओके। ये क्या करोगे आप, यहां पर आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, इसके जो छोटे छोटे जो वो है पोर है वो क्या करेंगे, पानी को, हाँ यस, या मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या करेगा, वो पानी को ऑब्जर्व दैट मीन स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर मीन्स वॉट हियर के नहीं, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ दिखाई देगा आपको ओनली, तो वो चीजें नहीं होंगी इसके अंदर, वो क्या करेगा, वो सिर्फ पानी को क्या करेगा, जितना उसकी कैपेसिटी होगी उसको क्या करेगा, उतना सोखेगा, सो जल्दी, ओके। तो वही चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में आप क्या करेंगे, सैंड कर दीजिए, पूरा बालू से भर दीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, तो आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी को भी वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, सो एब्जॉर्ब कर, एब्जॉर्ब कर, ठीक है, वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पोर है उनके बीच में वाटर जाके क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो
पूरा जो ग्लास है वो पूरा सैंड से भरे होने के बावजूद भी उसमें क्या होता है, पानी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहां पर, पोरस की बात हो रही है, ओके, उस पोरस की ही बात हो, ठीक है। सो रेड ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पोरस्टी एन आई ऑफ सो टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फोर फोर सो वी हैव द फॉर्मूला कैपिटल वी स्मॉल वी ओके एंड कैपिटल वी ये सब okay. ये सब इसमें है या सब इसमें का फॉर्मूला है ना, या जो कोर है उसके हम कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है। सो कोर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एक कोर का ये फॉर्मूला है, n is equal to what here, this is the here, n is equal to e here, this is b and b here, this is the b suffix, okay. So मैं लिखा देता हूँ इसको, तो this here b suffix b का मतलब है volume of the voids and v t is equal to total volume of of the swat of medium, okay. And then number of the porous, ठीक है, number of the porous so volume of the voids, okay, volumes of the voids here, yes, and total volume of the soil, ठीक है। so यदि आप इसको आपस में divide करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, number of pores, ठीक है। so कुछ important चीजें क्या pores से संबंधित, जो प्रोसेस है जो तरीका है वो क्या था, पोरस्टी, क्लियर है। आई थिंक की डेफिनेशन से आपको पोरस्टी ज्यादा क्लियर हुई होगी, ठीक है। नाउ एस पोरस्टी ऑल्सो जैसे कि ये जगह खाली है इसको हम लोग पोरस नहीं बोलेंगे। नो, मेजर करना है ना, इंपटी स्पेस के। इंपटी स्पेस मींस पोरस्टी मींस लाइक हियर
अगर जो मैं थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ आता हूँ, शायद वो शहरी क्षेत्र में मिले स्केल्टन होना चाहिए। यस, मैं वहां उस पर भी आता हूँ, अभी उसका क्लासिफिकेशन में सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आटा, अब तो आजकल का पैकेट में आता है, तो लोग भी उसको चालते हैं या छानते हैं, ठीक है। वो छन्ना जो हमारा क्या है, वो भी पोरेस्टी है, वो भी क्या है हमारा पोरेस्टी, क्लियर हो रही बात। तो उस ढंग से आप पोरेस्टी को जो है सोच सकते हैं, यदि अपने आप एक मटेरियल है, ठीक है, और मटेरियल है यदि वो, तो मटेरियल के बीच में जो छोटे छोटे जो गैप है वो हमारा क्या है, पोर है, ठीक है। और उन पोर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, पोर के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, ये हमारी क्या है, फॉरेस्टी, क्लियर हो रही बात। तो फॉरेस्टी का मतलब ये नहीं कि ये पूरा स्पेस जो है दिस इज अ फॉरेस्टी, ये नहीं, मुझे लगा कि इंटीटी स्पेस जो हमारी है, जैसे सर यहां पर एक वर्ड भी जुड़ा हुआ है वो क्या है, मटेरियल, ठीक है, एक वर्ड भी जुड़ा हुआ है वो क्या है, मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है, मटेरियल के बीच में जो छोटे छोटे वॉइड्स है, जो पोर है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है, वही हमारी क्या कहलाती है, पोरस, या उसको हम पोरस मीडियम के तहत भी स्टडी करते हैं। नाउ पोरस्टी आल्सो नोन एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। सो इसीलिए यहां पर मैंने एक वर्ड आपको ऐड कर दिया, मैटेरियल, ठीक है। तो मैटेरियल में जो आपका इनविटी स्पेस है या जो वॉइड है, ठीक है, वही हमारा क्या करेगा, उसको मेजर करना ही क्या करेगा, फॉरेस्टी, ठीक है ना। और फॉरेस्टी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फ्रैक्शन। इसको मैं रफ कर दूं, what if that b, this is a wire, aapne jo maine small b likha tha wo aur bhi zyada aapke liye sab clear ho jayega, okay। b what is the measure of the wire, of the wire and capital b suffix here, मैंने इतना जो भी लिखा था एज इन टोटल, ओके, इज द वॉल्यूम, इज द वॉल्यूम ऑफ द मैटेरियल, मैटेरियल देन पोरेस्टी, पोरेस्टी इज डिफाइंड बाय, इज डिफाइंड बाय, is defined by phi is equal to V void divided by V total, okay। Then the porosity is defined by phi is equal to V void divided by V total। V void आपको पता है volume of the जो pore है void उनका टोटल वॉल, ठीक है। इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉरेस्ट, ओके। वो आपको क्या दे देंगे, फॉरेस्ट। अभी जब एन कराया था यही नंबर ऑफ फॉरेस्ट है, एन इज इक्वल टू क्या, वो फॉरेस्ट ही देगा, सेम देगा, ठीक है, वो भी यानी है, क्लियर। इसको और भी ज्यादा हमने एक्सप्लेन करके यहां पर लिख दिया, वो था सिंपल, कोई अंतर नहीं। Now, कहीं कहीं पर आपको n लिखा हुआ मिलेगा, n की पर आपको क्या बताएगा, नेक्स्ट है इसमें पोरेस्टी की सबसे अच्छी बात होती है ना, ये डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन, या ऐसा नहीं कह सकते कि वॉल्यूम है तो डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल्स में आप जो पढ़ते हैं वो वॉल्यूम ही पढ़ते हैं, जहां पर डायमेंशन होता है, ठीक है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन, ठीक है। जो ग्लास है वो हमारा पूरा डायमेंशन पर ही डिपेंड है, बॉल हमारा डायमेंशन पर, जिस कस्तरी में हम खाना खाते हैं वो डायमेंशन पर, ठीक है, आप जिस पर बैठे हो वो डायमेंशन पर, ठीक है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि
जो है, लेकिन एक्चुअली डायमेंशन लेस इसलिए उसको मान लेते हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस चौक. ओके, यहाँ पे इसके एक एक डायमेंशन को मेजर कर पाना मुश्किल है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इनफाइनाइट है. दैट्स मीन इनफाइनाइट मीन्स ये नहीं है कि मतलब वहां तक नंबर नहीं है, नंबर है बट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट नंबर. सो उसको हम क्या कह देते हैं, इन्फिनिटी. ओके, सो हम ये नहीं कहते कि दैट्स मीन कि इन्फिनिटी मीन्स ये चीजें हो गई वो चीजें हो गई, नहीं. इन्फिनिटी मीन्स दैट्स मीन वहां समथिंग कुछ नंबर है बट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट नंबर. सो हम सीधे सीधे उसको क्या कह देते हैं, वो इन्फिनिटी. यदि हमको इन्फाइनाइट सीरीज ही लिखते हैं तो इन्फाइनाइट सीरीज को हम कहां तक लिखते हैं, एन तक लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां तक हम कैपेबल होते हैं. ओके, लेकिन फिर आगे हम अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं. एन के पावर्स को बढ़ाते जाए तो आगे क्या इन्फाइनाइट सीरीज के और भी टर्म्स को हम जान सकते हैं. ठीक है, जहां तक हमारी इच्छा है और जहां फिर इच्छा खत्म हो जाए हम क्या कर देते हैं, हमारी सीरीज आगे डैश डैश डैश. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी है या कोई चीज है तो वो है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंट किया जा सकता है बट यदि हम उतने कैपेबल हैं. ठीक है ना, सो यहां पर तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज अ dimensionless quantity, less quantity, जैसे आपकी कोई भी मैक्सिम है वो भी क्या है, porous. ठीक है, वो भी क्या है, porous. ये चौक है ये भी क्या है, porous. लेकिन चौक का मतलब ये नहीं कि ये चौक porous है, that's mean इसकी जो ये particles है वो क्या है, porous है, और उसके हम लोग डायमेंशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, सो पार्टिकल्स को यदि पाथ मिल जाए तब तो उसके डायमेंशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल को पाथ नहीं मिला है तो फिर वो हम उसके डायमेंशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि आपको पता है डायमेंशन को कैलकुलेट करने में सारी पाथ की जरूरत है और फंक्शन क्या होना चाहिए, वेरिएबल फॉर्म में होना चाहिए. ओके, सो यहां पर हमारा जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, डायमेंशन. ओके, और इसके क्लियर हो रहे हैं थोड़ा नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स. फॉरेस्टी का एक और भी चीज है, नोट कर लीजिए उसको, इट कैन वेयर, इट कैन वेयर फ्रॉम 0 to 1 or in percentage, in percentage 0 to 100. Okay, porosity जो है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, 0 to 1 और 0 to 100. ठीक है, जो पोरेसिटी है वो कहां से कहां वैल्यू हो सकती है, 0 टू 1 और 0 टू 100. ठीक है, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस 0 टू 1 एंड 0 टू 100. ओके, ये जो हमने लिखा पोरेसिटी वैरीज फ्रॉम द व्हाट, 0 टू 1 और 0 टू 100, इसका एक्चुअल मीनिंग है कि 0 का मतलब वहां पर यह है कि वहां पर कोई पोर नहीं है. दैट्स मीन 0 का मतलब क्या होगा, वहां पर कोई पोर नहीं. 1 का मतलब वहां पर क्या है, पोर है. ठीक है, यदि 0 से 1 के बीच में है दैट्स मीन, यदि 0 है तो दैट्स मीन वहां पर कोई पोर नहीं. पोर का मतलब कि वहां पर कोई भी गैप नहीं है, कोई इंपर्फेक्ट स्पेस नहीं है. ओके, ये ऑब्जर्वेशन करना वो नहीं कर पाए. ठीक है, जैसे पेन. हाँ, पेन. ओके, हाँ, यस, हाँ, पेन. सो नाउ दूसरी चीज, पोरेस्टी जो है आज जो है वो मेडिसिन सेक्टर के लिए बहुत बड़ा वरदान है. Okay. वो पोरेस्टी के कारण ही खुलती है. ठीक है,
आप इनो देखते हैं ना 15 सेकंड में चार आता है कुछ इस ढंग का बन जाता है ठीक है। सो ये सब क्या है वो 100% फॉर्म में होगा, यदि वो नहीं होगा तो उसके अंदर तो वाटर तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा ना। देन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज मेडिकल जितना भी है या मेडिसिन आप जितना भी खाते हो सब क्या है फॉरेस्टी के सबसे अच्छे एग्जांपल है ठीक है। उसे क्या है बच्चों वाला डाइपर होता है हाँ यस हाँ सब कुछ पूरा मेडिकल साइंस जो है पूरा का पूरा क्या है कि सर डिस्प्रिन नहीं ले सकते इसमें बोले फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चौक का एक टुकड़ा लिया है मान लीजिए कोई टैबलेट है ठीक है। ये टैबलेट अपने आप में क्या है फॉरेस्टीन ठीक है। आपके पास जितने भी टैबलेट आते हैं वो अपने आप में क्या है फॉरेस्टीन ओके। उन फॉरेस्टीन की भी रेंज होती है 0 to 1 और 0 to 100। सो इफ फॉरेस्टीन इज 1 देन इफ फॉरेस्टीन is 1 and like it on then that means it is completely what it is completely what okay if porosity is 0 0 then that means there is no pore. There is no problem. So there are a limiting case. Okay? ठीक है? So हम porosity को जो है वो देख सकते हैं किसके बीच में 0 से 1 के बीच में ठीक है। यदि 0 है that means वहां पर कोई void नहीं है कोई pore नहीं है 1 है इसका मतलब वहां पर क्या है कंप्लीट pore है ओके ना। इसके बीच में भी आ सकता है 0 से 1 के बीच में That means something poor and something वहां पर कुछ poor नहीं हो okay? तो percentage के ऊपर depend करता है कि जितने percent that means for example 60% है 60% है तो poor वहां पर क्या होगा 7 ठीक है। यदि मान लिया कि कोई भी एक चीज है वहां पे 60 डॉटेड है ओके okay? मान लिया जो बर्तन साफ करने वाला है उसमें हमारे 100 डॉटेड है ओके okay? 100 डॉट में 60% हमने बोला poor है 60% है तो 60% means what here? That's mean 100 डॉट से 60 जो है उसमें क्या है वो 4 है बाकी 40 में 4 नहीं है ठीक है। इस ढंग से भी आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं ना। या चुना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉरेस्टिंग जिसमें यदि आप कोई भी पोर ना हो ओके यदि पोर नहीं है कई सारी कोई ऐसे सॉलिड है ओके सॉलिड मटेरियल्स है ओके फॉर एग्जांपल मैं दूर नहीं जाता फलों में ही चला जाता हूँ एप्पल बनाना ठीक है। एप्पल और बनाना पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उसमें पोरेस्टी नहीं होती पोरेस्टी होती है तो आप उसको खरीदते नहीं है ठीक है। क्या कहते हैं कहते हैं इसमें कीड़ा घुसा होगा कहते हैं ना ठीक है तो वहां किसी प्रकार का कोई भी पोर नहीं होता। तो इसीलिए कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं उसमें जाते वक्त खरीदते वक्त भी देखते हैं इसमें पोर है या नहीं ओके। डिफरेंट टाइप्स के पोर बने हैं तो उसको परचेज नहीं करते कहते हैं क्या ये खराब चीज है
ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा है, लाइक देखा होगा एप्पल्स को, ठीक है, यदि वहां पे पोर नहीं है तब उसको हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। नाउ सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें परमिटिविटी आई होप कोर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो इसमें मैग्नेट्स के बीच जो एम्प्टी स्पेस है ना, ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस को जैसे फॉर एग्जांपल इफ यदि मैं गलत नहीं हूं अभी इस टाइम तो जहां तक मुझे लगता है शायद मेरा ये सोचना है शायद जैसे कहते ना कि सड़क बनी और फिर गया चेक होने के लिए, ठीक है, तो वहां क्या चेक करते हैं, पुल बना गया चेक होने के लिए, ठीक है, उसके वजन को तो चेक करते हैं कितनी गाड़ी को वजन को, मुझे लगता है कि वो मटेरियल्स के पोर को भी चेक करते हैं, उस पोर के हिसाब से बताते हैं कि ये सॉलिड है या नहीं, क्योंकि उस पोर को देखकर वो बताते हैं इसमें कितना मटेरियल गया है, समझना है काम, तो उसके हिसाब से भी वो चेक कर सकते हैं पोर्स। मुझे लगता है कि जो भी हम किसी भी चीज की पुल्स की या सड़क की या वाटर जो की मजबूती जो चेक करते हैं किसके हिसाब से करते हैं, पोर के हिसाब से, ठीक है, कि इसमें कितना जो है वो टामर पड़ा है वॉट एवर जो कुछ भी मैट्रिक्स उसमें डालते हैं। ओके सो परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी इज द मेजर उनके अंदर से कोई भी फ्लूड कितनी आसानी से प्रवाहित हो सकता है या कितनी आसानी से पहुंच सकता है वो हमारा जो मेजर करने का तरीका वही हमारा क्या है, परमिटिविटी का, अंडरस्टैंड, ठीक है। मेजर ऑफ द इज विद द फ्लूड कैन मूव इनसाइड द पोरस मटेरियल दिस इज नोन एज व्हाट, परमिटिविटी। ओके दिस इज नोन एज अ परमिटिविटी। नाउ If it is less permeable, so flow cannot pass through. Easily and if
इट मूव परमेबल फ्लो कैन पास थ्रू परमेबिलिटी क्या करता है जो फ्लो है उसके बारे में बताता है. फ्लो मीन्स वॉट जो वाटर जो है कोर या वॉइड से पास होकर जाता है. ठीक है यदि कोई वाटर जो है आप लिख लीजिए फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूं. लिख लीजिए इस पर हम डिस्कस करते हैं. लिख लिया So, परमेबिलिटी का काम क्या है. परमेबिलिटी काम यहां से आपको और भी आसानी से समझ में आएगा कि यदि परमेबिलिटी कम होती है परमेबिलिटी लेस परमेबिलिटी है दैट्स मीन कि जो पोर है उससे क्या होगा वाटर आसानी से पास नहीं है. ठीक है इफ मोर परमेबल है दैट्स मीन फ्लो कैन पास थ्रू इजिली. ओके सो वहां पर जो फ्लो है वो आसानी से पास कर सकता है. ठीक है सो कोई भी पोर या वॉइड है उस पोर या वॉइड से जो है कोई भी वाटर कितना इजीली पास हो सकता है. ठीक है उसके पास होने की जो सुगमता है दैट्स मीन उसी को हम क्या कहेंगे परमेबिलिटी. ठीक है यदि वो वाटर जो है परमेबल में जो है मैग्नेस में क्या है यदि वो धीरे धीरे पास हो रहा है तो वहां पर क्या है लेस लेस परमेबिलिटी. यदि वो मैग्नेस में जो वायर है उस वायर से जो वाटर है वो आसानी से फ्लो हो सकता है. क्लियर है तो हमारा क्या है. ठीक है कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप वाटर में डालते हो वो क्या होता है कम पानी को एब्जॉर्ब करता है. कुछ चीजें होती है क्या तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर देती है. क्लियर है तो जिन्होंने पानी को कम एब्जॉर्ब किया ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब नहीं किया वहां पर पानी को क्या किया कम एब्जॉर्ब किया तो वहां पर क्या है लो परमेबिलिटी. ओके और यदि उन्होंने पानी को फटाक से एब्जॉर्ब कर लिया दैट्स मीन वहां पर फ्लो क्या आपका दैट्स मीन मोर परमेबिलिटी. ओके सो वो चीजें क्या है लो और लेस फ्लो वाटर का. दूसरी चीज परमेबल मेम्ब्रेन वगैरह या हां बिल्कुल वही कह रहे हैं ये फ्लो से संबंधित है. ये क्या है फ्लो से फ्लो जितना ठीक है हां पास कर रहे जैसे हम लोग कभी टूरिस्ट प्लेस पे कभी घूमने जाए कहीं पर तो देखते हैं झरनों के बीच में कुछ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं ना इस ढंग से. ठीक है तो कहीं कहीं पर जो चट्टानों के बीच में जो पत्थर इस ढंग से पड़े होते हैं अभी आप इस टॉपिक पर भी हम ये पत्थर यहां से पड़े हुए फॉर एग्जांपल यहां से कि मान लिया पानी यहां से आसानी से निकल गया. ओके फ्लो यहां से निकल गया. ओके ये हमारा क्या है. ठीक है यदि यहां से पानी निकल रहा है लेकिन इस स्पेस की वजह से यहां पर ये पानी आसानी से यहां नहीं आ सकता तो क्या है ठीक है सो हमारा क्या होगा ये फ्लो को बता रहे क्या बता रहा है फ्लो कि जो हमारा वायर है उस वायर से मैं बार बार कहूँ क्या है वायर है या कोरस है तो कोरस है इसका मतलब वहां से वाटर फ्लो हो सकता है. ठीक है और जो वाटर फ्लो होने का जो है दैट्स मीन की वाटर यदि इजिली पास हो रहा है उस वायर या कोर से वो क्या है मोर परमिसिबल है. यदि कम हो रहा है दैट्स मीन वो क्या है लेस परमिसिबल. लेस परमिटिविटी है और मोर परमिटिविटी. सो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी एक और डेफिनेशन है समझने की आप देख सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी एक और डेफिनेशन है इट इज It is ability of medium that it is the ability of medium that permits
the flow, flow of the liquid, flow of the liquid through, through, through. It's inter connecting parts. Interconnecting. ठीक है, सो ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम. ठीक है, ये मीडियम की एबिलिटी के बारे में. ठीक है, दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉल्स. ठीक है, मैंने अभी बताया भाई कि दो पत्थरों के बीच में, ठीक है, जो हमारे पास ये है, मान लिया कि ये पार्ट पीस है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये मैं बार बार बता, जैसे यहां से वाटर को यहां से निकलने में प्रॉब्लम है, लेकिन मान लिया कि वाटर यहां से फ्लो से आसानी से ये यहां से आ रहा है. ठीक है, तो क्या कर रहा है, मीडियम जो है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम को परमिट कर रहा है किसको, वायर से वाटर के फ्लो. ठीक है, यदि वाटर कम आ रहा है दैट्स मीन वो क्या है, लेस करंट. यदि फ्लो सुगमता से हो रही वो क्या है हमारा, या मोर. इंटरकनेक्टिंग, यहां पर एक वर्ड भी आ रहा है इंटरकनेक्टिंग, इसके बारे में हमें भी बात करना है. ठीक, सो ये इंटरकनेक्टिंग, इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स. नाउ रेड ऑन नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स. ये समझ में आ गया हम सबको, क्लियर है ये टॉपिक सबको, इफ यू हैव एनी डाउट please discuss to me. Distribution of force, ये मैंने classify किया हुआ है अपने हिसाब से ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ सके. Distribution of force, okay? So what is the distribution of force? मैं यहां पे क्लासिफाइड इसको कर देता हूं. जो मैंने अभी आपको इंटरकनेक्टिंग वर्ड जो बोला हुआ है उसी पर ये पूरा बेस है. नो कोर, नो कोर स्पेस, नो कोर, ये वर्ड एक साथ है, अलग अलग नहीं है. ठीक है, सो नो कोरस, नो कोरस एंड नो परमिट, नो परमिट. ओके, नाउ नो कोर्स, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. नो कोर का मतलब कि वहां पर किसी प्रकार का कोई भी कोर या वायर नहीं. ओके, नाउ अनकनेक्टेड, अनकनेक्टेड कोर स्पेसेस, अनकनेक्टेड कोर स्पेसेस, दैट मीन कोरस तो होगा वहां पर, कोरस तो है, ओके, लेकिन वहां पर वो नॉन परमिटेड. कोरस तो है लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड ना होने की वजह से फ्लो उसमें नहीं हो सकता. ठीक है, इसको भी हम बताते हैं. नाउ कनेक्टेड कोरस, कनेक्टेड कोरस, सॉरी कनेक्टेड कोर स्पेस, यहां पर क्या होगा, कोरस मीट, कोरस है और यहां पर क्या होगा, this is a classification or distribution of a force. Okay, so force ko is hum se bhi hum distribute kar sakte hain, no core, unconnected and a connected. Yadi no core hoga to wahan par kya hoga, yadi core hai lekin wo kya hai, aapas mein connected nahi hai to wahan par kya hoga, yadi core hai lekin wo connected hai tab wahan par kya hoga,
ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। आपको पता है यदि कोई पोर नहीं है, नो पोर स्पेसिस या दैट मीन वहां पर कोई पोरस मीडियम और कोई परमिटल नहीं होगा, ओके, नो पोरस एंड नो परमिटल, एंड पोर है लेकिन आपस में क्या है, अनकनेक्टेड, ओके, दैट मीन यहां पर फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट तो वैसे बहुत कमजोर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसे यहां पे मान लीजिए है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हियर एंड दिस इज अ हियर, हियर एंड दिस इज अ हियर, ओके, दिस इज अ एंड ओके, यहां पर स्पेस नहीं है, सर यहां पर स्पेस है, ये क्या है, नॉन टर्मिनल अनकनेक्टेड, ये हमारे क्या है, अनकनेक्टेड, क्योंकि यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पानी भरा होगा, यहां भी फ्लूड होगा, यहां भी फ्लूड होगा, ठीक है, यहां भी ये फ्लूड होगा, ओके, लेकिन वो फ्लूड यहां से फ्लो करके यहां पर नहीं जाएगा, यहां का फ्लूड ये, मैंने बोला मेरा पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, सो यहां का फ्लूड जो है वो फ्लो होकर यहां पर नहीं जाएगा, क्लियर है ना, यहां का फ्लूड फ्लो होकर यहां पर नहीं जाएगा, क्लियर है, तो हमारे क्या है, ठीक है, पोर तो है, दैट्स मीन पोरस तो है, लेकिन आपस में क्या है, अनकनेक्टेड, दैट्स मीन वो परमेबल नहीं है, अंडरस्टैंड, यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्टेड के बारे में हम बात करते हैं, अभी क्या लगा, कनेक्टेड क्या है, सो कनेक्टेड क्या है, कनेक्टेड मीन्स ये नहीं है कि ये पत्थर इससे जुड़ गया, ये कनेक्टेड नहीं है, फ्लो को एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्लो या दैट्स मीन ये यहां पर ये फॉर्म है, ओके, नाउ एंड यहां पर कोई एक फॉर्म है, ओके, यहां पर कोई एक फॉर्म है, ठीक है, यहां पर कोई एक फॉर्म है, ठीक है, तो ये फ्लो एक दूसरे से क्या है, ये क्या है, तो हमारे क्या है, पोरस तो है, दैट्स मीन उनके बीच में क्या है, वायर है, पोर तो है, और उनके वाटर का फ्लो भी क्या है, दूसरे से जुड़े हुए, ओके, तो हमारे क्या करना है, कनेक्टेड पोरस एंड कनेक्टेड पोर स्पेस है, दैट्स मीन क्या हो गया, पोरस एंड परफेक्ट, ठीक है, पोरस एंड परफेक्ट, अंडरस्टैंड, ओके, कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड, सो नो पोर का मैंने आपको एप्पल का सबसे अच्छा एग्जांपल दिया है, आप मार्केट जाते हो खरीदने के लिए, देखते हो सेल में ये दुनिया भर के चेन है, तो आप इसको कभी भी खरीदते नहीं हो, ठीक है, क्या तो इसमें जरूर कीड़ा घुसा होगा, ओके, क्लियर है, तो कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पोर या वायर नहीं होगा, ओके, तो यदि वहां पर वायर नहीं है तो वहां पर क्या होगा, नो पोरस एंड नो परमेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं लोहे की कोई एक छोटी सी चीज ले लो, बहुत ठोस हो, बहुत ठोस हो, ठीक है, चिकना भी हो लोहा, ठीक है, उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा नहीं ना, वो हमारा क्या है, नो पोर नो स्पेस, क्लियर है, कोई भी लोहे का है, ये बेंच है, इसके ऊपर आप पानी डालो, ठीक है, वो पानी को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो पहले लकड़ी वाली और बेंच आती थी उस पर पानी डाली, वो क्या करता था, फ्लाइट आई, वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये नो पोर नो स्पेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, आपका मोबाइल जो है वे भी क्या है, नो पोर है नो स्पेस है, यदि उसके ऊपर पानी जाएगा दैट्स मीन उसका जो सरफेस है, सिर्फ मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, हां ठीक है, हां तो वहां पर क्या है, उसको पानी डालो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं, ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोरेसिटी, पोरेसिटी एंड परमेबिलिटी बिल्डिंग रिलेशनशिप, आई होप आप लोगों ने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, आपको डायनेमिक्स में रिलेशनल डायनेमिक्स पढ़ा है, तो कहीं कहीं आपको फॉर्मूला जरूर देखने को मिला होगा, कार्बन कोजेनियो हाइड्रिक रेडियस थ्योरी, सो कार्बन
हाइड्रोलिक रेडियस क्यूब ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमने पोरोसिटी पॉइंट पर क्वेश्चन ये उठता है क्या इसके बीच में आपस में कोई रिलेशन है, यदि रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम लोग कैसे आपस में कैलकुलेट करें ठीक है। सो वी हैव द टूल, वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी, दिस इज नेम एज द कारमैन एंड कोजेन ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस कोजेन ठीक है, रेडियस क्यूब। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इट इज एम, ये मैं एस ये हैश करके लिख रहा हूं ताकि आपको सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो। कोजेन 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 जी है लास्ट, हां कोजेन वाई में जी है ना, ये जेड है, जेड है ये वाई जेड की है ठीक है। सो हाइड्रोलिक रेडियस क्यूब, नाउ इट इज एन इंपीरियल रिलेशन, इंपीरियल रिलेशन, इंपीरियल रिलेशन बिटवीन बिटवीन परमेबिलिटी permeability and porosity, porosity of the porous medium, porous medium of the porous medium K is equal to capital K is equal to D suffix B here square pi cube divided by 181 minus pi square. This is the formula. Okay? Where K is the permeability of the porous medium. Can I tell? So, where K is the permeability, where K is the permeability of the porous medium and DP is the mean grain diameter. Okay, that. So K is the permeability of the porous medium, K is the permeability, okay, and dP is the what mean grain of a diameter. Phi के लिए formula मैंने बताई थी आपको, divided by dP is the mean grain diameter. हाँ, dP is the mean grain diameter. ठीक है? So अब पोरोसिटी को भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं ठीक है, जैसे परमेबिलिटी को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया वैसे हम लोग पोरोसिटी को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं ठीक है। पोरोसिटी में भी जो होता है प्राइमरी पोरोसिटी होता है और सेकेंडरी पोरोसिटी ठीक है। सो दिस इज द
पोरास्टिक, पोरास्टिक दिस इज आवर प्राइमरी पोरास्टिक एंड द सेकेंडरी प्राइमरी पोरास्टिक एंड सेकेंडरी पोरास्टिक जैसे हमने परमिबिलिटी को क्लासिफाइड करके बताया कनेक्टेड नॉन कनेक्टेड ठीक है ओके सो यहां पर भी पोरोसिटी को भी हम लोग क्लासिफाइड करके चलेंगे ठीक है पोरोसिटी में भी दो तरह के होते हैं पोरोसिटी फर्स्ट वन इज नोन एज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी ठीक है बट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पोरोसिटी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी Okay, so primary porosity means what here? That means किसी भी चीज को यदि हम बनाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ईटे के भट्टे पे जो लोग गीली मिट्टी में काम करते हैं ठीक है वो जब बनाते हैं ईटे के गीली मिट्टी को लेकर वो करते हैं तो बनाते हैं उसमें जो छोटी छोटी दरारें आती हैं जो कुछ भी आता है ठीक है वो हमारा क्या है primary porosity ईटे को बना दिया सूख गया सूखने के बाद भी उसमें क्या आ जाती है कभी भी दरारें आती है हमारे क्या है सेकेंडरी पोरोसिटी ठीक है हमारी क्या है सेकेंडरी पोरोसिटी क्लियर जैसे कोई कुम्हार है वो क्या करता है कोई भी घड़ा बना रहा है कुछ बना रहा है ठीक है तो बांधे बनाते वक्त उसमें क्या आ जाता है थोड़ी थोड़ी कुछ दरारें या कहीं पर कुछ आ जाए वो हमारा क्या है प्राइमरी पोरोसिटी लेकिन यदि उसी घड़े को या सुराही को बाद में रख दिया जाए सूखने के बाद उसमें क्या आ जाए कहीं पर दरारें आ जाए तो हमारे क्या है सेकेंडरी पोरोसिटी ठीक है सो प्राइमरी पोरोसिटी रफ्तार क्या है सो प्राइमरी पोरोसिटी बांध के बहुत कुछ है अभी लेकिन दुनिया चार क्लासों में सब चीजों को समय पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्राइमरी पोरोसिटी पोरोसिटी रेफरेंस रेफरेंस टू द पोरोसिटी 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 डेवलप्ड डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ During the time of rock formation. Okay, rock. आपको पता है? इटा formation. जब पत्थर को फॉर्मेशन में लाते मैंने बोला गीली मिट्टी को फिर वो सांचे में डालना और फिर उसको वो करना तो वो जो फॉर्मेशन है उसका तो बनाने की जो प्रक्रिया है उस बनाने की प्रक्रिया के बीच में क्या जाए मिट्टी दरार हमारा क्या है प्राइमरी ठीक है यदि ईटा सूख जाए और सूखने के बाद उसमें क्या हो दरार जैसे पूरी तरह से ईटा जो है भट्ठे में चला जाए पक जाए लेकिन क्या जाए दरार वो हमारा क्या होगा सही ओके इसीलिए कहा जाता है ना कि घर को जब भी बनता है छतों को गांव में या घर कहीं पर तो उसकी क्या करते हैं पानी लेकर तरी करते रहते हैं ना ठीक है तो वो क्यों करते हैं कभी इस बात पे सोचिएगा नेक्स्ट क्लास में इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत बड़ा साइंस है ठीक है सो सेकेंडरी पोरोसिटी सेकेंडरी पोरोसिटी मैथ के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं मैं बार बार कह रहा हूं सेकेंडरी पोरोसिटी ओके सो सेकेंडरी पोरोसिटी रेफरेंस सेकेंडरी पोरोसिटी रेफरेंस
the porous thing, to the porous thing, to the porous thing. Double it. After, raw, has been, formed. जब हम बनाते हैं उसको सांचे में डालते हैं, फिर सांचे में डालने के बाद उसको क्या करते हैं, जो भी उसके डिजाइन वो कर दिया सारे, तो बनाते वक्त क्या देखते हैं, दरारें पड़ जाए हमारी ट्रांसी पोरस्टी, ठीक है। फिर मान लिया कि वो रॉक बन गया सही सलामत, उसमें ट्रांसी पोरस्टी नहीं आई और वो फिर भट्टे में गया, सारी चीजें हुई, उसके बाद निकल के आने के बाद उसमें क्या पड़ जाए, दरारें आ जाए, कुछ आ जाए, ठीक है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, सेकेंड प्राइमरी, जब सुखाने वाला, ठीक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। ईडी के भट्टे में जाना, ठीक है, आना फिर, ठीक है। तो जो इसका सेकेंडरी फॉर्म है हमारा क्या करें, सेकेंडरी जो अनदर डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन ऑफ पोरोसिटी ठीक है। सो व्हाट इज द अनदर डेफिनेशन, प्राइमरी पोरोसिटी, मैं फिर से मैं लिखता हूं, प्राइमरी पोरोसिटी formed due to genesis means उत्पत्ति, इसको हिंदी में उत्पत्ति कहते हैं, of the formation जेनेसिस। एग्जाम्पल क्ले, मिट्टी का क्ले, ठीक है, एग्जाम्पल में क्ले समझते हैं ना, ओके, एंड पोरोसिटी ऑफ सैंड, गीली मिट्टी से लोग जाते हैं समुद्र के किनारे, दुनिया भर के पोरोसिटी फॉर्म ड्यू टू जेनेसिस, GENESIS, ओके, जेनेसिस, हिंदी में इसको उत्पत्ति कहते हैं, ओके, of the formation, ठीक है। तो example दे सकते हैं, porosity of a sand लिख सकते हैं example में, porosity of a sand, comma clay, C-L-A-Y, clay, ठीक है। so porosity of sand में कैसे देखा हम लोगों ने, देखा होगा बहुत सारी जगहों पर,
कि लोग रेत पे जाते हैं ना बीचेस पे, वो मिट्टी के वो सारी रेत के क्या बनाते हैं वो दुनिया भर के घर होंगे घर वॉट एवर कुछ भी बनाते रहते हैं ना, ठीक है, वो हमारा फॉर्म क्या है, उसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ती हैं, फिर उसको रेत से ही क्या करते हैं लोग इस ढंग से वो करके उस रेत के जो दरारें उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या है प्राइमरी फॉरेस्टी, हमारा क्या होगा प्राइमरी फॉरेस्टी, ठीक है। सो क्ले, क्ले मतलब समझते हैं मिट्टी, जो कुम्हार है उसकी मिट्टी को हम क्या कहते हैं क्ले, जिसे मूर्तियां बनाता है वो घड़ा बनाता है वॉट एवर जो कुछ भी वो बनाता है वो हमारा क्या है क्ले, ठीक है। तो मिट्टी जो है हमारी वो क्ले जो है उसमें क्या होती है दरारें पड़ी होती है ना, हमारा क्या है प्राइमरी फॉरेस्टी। नाउ सेकेंडरी फॉरेस्टी, सेकेंडरी फॉरेस्टिंग, सेकेंडरी फॉरेस्टिंग, फॉरेस्टिंग फॉर्म्ड आफ्टर जेनेसिस, फॉरेस्टिंग फॉर्म्ड आफ्टर जेनेसिस, आफ्टर जेनेसिस फॉरेस्टिंग फॉर्म्ड आफ्टर जेनेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, ऑफ द फॉर्मेशन, ऑफ द फॉर्मेशन, ऑफ द फॉर्मेशन। ओके, एग्जाम्पल में आप स्टोन्स का भी लिख सकते हैं डायमंड स्टोन। ओके, सो नाउ पोरस कनेक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक इज द पोरस कनेक्टिविटी, पोरस कनेक्टिविटी। पोरस कनेक्टिविटी, पोरस कनेक्टिविटी में ओके पोरस कनेक्टिविटी। ओके, सो द एब्सोल्यूट पोरस, मैं लिख देता हूं द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोरेस्टी, द एब्सोल्यूट पोरेस्टी इंडिकेट्स, इंडिकेट्स, इंडिकेट्स द टोटल, टोटल पोरेस्टी, टोटल पोरेस्टी ऑफ अ रॉक, रॉक विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट, द फैक्ट दैट, फैक्ट दैट द एब्सोल्यूट पोरेस्टी इंडिकेट्स द टोटल पोरेस्टी ऑफ अ रॉक विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट पोरस, या सॉरी पोर्स आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड और नॉट। ओके, पोरस की कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी फिगर के थ्रू बताया है। सो एब्सोल्यूट पोरसिटी इंडिकेट्स द टोटल पोरसिटी ऑफ रॉक विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट पोरस आर कनेक्टेड और अ नॉट, ठीक है। सो इसमें जो नेक्स्ट है वो इसमें लिख लीजिएगा इफेक्टिव पोरेस्टी, इफेक्टिव पोरेस्टी, इफेक्टिव पोरेस्टी, इफेक्टिव पोरेस्टी। व्हाट इज द इफेक्टिव पोरेस्टी, द इफेक्टिव पोरेस्टी, द इफेक्टिव porosity, effective porosity is the porosity, is the porosity due to, due to
इंटरकनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, कनेक्टेड पोरस में, पोरस इंटरकनेक्टेड, सारे पोरस एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड जुड़े, ठीक है। यदि इंटरकनेक्टेड नहीं है तो इफेक्टिव पोरोसिटी नहीं, ओके। सारे पोर क्या आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से क्या जुड़े हुए, क्लियर हो गई बात ना। तो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव पोरोसिटी होगा। यदि वो कनेक्टेड नहीं है तो इफेक्टिव पोरोसिटी नहीं। नाउ दूसरा इसमें क्या है, तो लाइन का है एडिशंस को देख लीजिए। और भी एक दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं इफेक्टिव पोरोसिटी, पोरोसिटी इफेक्टिव पोरोसिटी ऑफ फॉर्मेशन, ऑफ अ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन रेफरेंस टू, रेफरेंस टू द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन of porosity, of porosity available, available porosity, available for fluid, for fluid. यदि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी वहां से वाटर क्या हो फ्लो करता है, ठीक है। यदि वापस में एक दूसरे से, या सो यदि वापस में कनेक्टेड है दैट्स मीन वो हमारे क्या कहेंगे, इफेक्टिव पोरोसिटी। इफेक्टिव पोरोसिटी इज द पोरोसिटी इन टू द इंटरकनेक्टेड पोरोसिटी, ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस इफेक्टिव पोरोसिटी? So we have the formula. We have the formula. It is measured as a ratio of interconnected pore. It is measured as a ratio, ratio of interconnected, connected, connected pore space, space wide and labels, labels for fluid flow, flow to the total volume of, to the total volume of the rock, rock of formation. हमारे जगह रॉक इसलिए लेकर चले ताकि हर किसी के लिए ये थोड़ा सा वो डाइजेस्ट हो जाएगा और सुटेबल भी होगा, ठीक है। रॉक को यदि आप कंसिडर करेंगे, हमने आपको शुरू में बताया कि जो हम घर में बर्तन मांजने वाला जो हमारे पास होता है उसको भी यदि हम सोच के रखेंगे तो उससे भी हम फॉरेस्ट्री और जो भी उससे रिलेटेड चीजें उसको आसानी से हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो रॉक और फॉर्मेशन, सो ई इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम into, okay, Vi divided by, this is the V of a, Vi means what, volume of the interconnected, I means what here, interconnected, ठीक है। So लेना होगा एक चीज़ please, I here, this is the stand for the what here, interconnected,
ओके आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप